बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे प्यारे दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो थोड़ी इमोशन से रिलेटेड होने वाली है, तो शायद थोड़ी लेट वीडियो शुरू होगी, पर आप मेरी बात सुनो। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, जैसे साउथ की, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, बट सारी चीज़ों को कंक्लूड करके मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आज भी, जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लड़के हैं, उनको लड़कियां हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छे से नहीं आता तब भी उन्हें काम मिलता है, और आप लोग भी हो बहुत सारी उनकी मूवीज़ देखते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा आप उनकी मूवीज़ ना देखें, या मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट जो लोगों में असली टैलेंट है, जो लोग काबिल हैं आपके व्यूज़ के, आप कम से कम उनकी तो कहानियाँ देखिए। आज हमने ऐसे ही एक कलाकार को खो दिया सिर्फ इसी लापरवाही की वजह से कि उनको कोई ज़्यादा देखता नहीं, उन्हें कोई ज़्यादा समझता नहीं। ऐसे ही एक ऐसे करेक्टर की मैं आपके पास मूवी का रिव्यू लेके आया हूँ। मूवी का नाम है दिल बेचारे, जिसके मेन लीडिंग रोल में आपको सुशांत सिंह राजपूत नज़र आएंगे और फीमेल लीडिंग रोल में संजना शंघाई आपको नज़र आएंगी। फिल्म का डायरेक्शन मुकेश छाबड़ा ने किया है। मूवी अगर मैं आपको कहूँ तो ये लव रोमांटिक मूवी है, खासकर इसमें इमोशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दिखाए गए हैं, जो एक टिपिकल लव स्टोरी में आपने या हमने देखा है कई सारी मूवीज़ में, बट ये दूसरी मूवी से काफ़ी हद तक मुझे अलग लगी, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स डिफाइन किए गए हैं, जो दिखाए गए हैं, उन्हें या इसमें कैंसर होता है, वो डिसेबल्ड होते हैं कहीं ना कहीं, बट वो तब भी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा जी रहे होते हैं, बिना इस नेगेटिविटी के कि उनके साथ कुछ गलत हुआ हुआ है। ये मूवी में जो मैसेज दिखाया गया है, ये काफ़ी हद तक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि आजकल का यूथ जिस हिसाब से डिप्रेस रह रहा है, हमें एक हौसले की ज़रूरत है। ये मूवी हमें उस चीज़ के ऊपर दिखाई गई है। मूवी की स्क्रिप्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो मूवी की स्क्रिप्ट कुछ ऐसी कि दो कॉलेज लवर्स थर्ड जनरेशन के एक साथ प्यार करते हैं, जो दोनों को कैंसर होता है, बट दोनों काफ़ी अच्छे हैप्पी जॉली टाइप के, उन्हें कहीं भी तरह से मूवी में बेचारापन नहीं दिखाया गया कि उन पे जो ऑडियंस है देखने वाले वो तरस खाएं। तो मूवी मुझे काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव लगी कि हाँ पॉजिटिव है वो मूवी, जितना भी दिख रहा है मुझे अच्छा लगा। बात करें कि कैरेक्टर्स का जो प्ले है इसमें किस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग करी, तो सुशांत सिंह राजपूत तो मुझे लगता है एक उस एक्टर ने अब पूरी मूवी को अपने कंधे पे उठा लिया, एक तरह से चाहे इमोशन कह लीजिए, चाहे आप डायलॉग डिलीवरी कह लीजिए, चाहे कह लीजिए आप कॉमिक टाइमिंग, तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक इन्हीं एक ये मेन कैरेक्टर है जिन्होंने पूरी मूवी को अपने कंधे पे उठा लिया, अपने बल पे पूरा अच्छे से कंप्लीट किया। बात करें जो हीरोइन है, ये एक नई हीरोइन है इसमें जो फीमेल लीडिंग रोल में, इनका भी रोल हम ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि ये अच्छी नहीं है, इनका रोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रोल काफ़ी हद तक इनका भी अच्छा है, काफ़ी क्यूट रोल है इनका, जिस हिसाब से इन्होंने प्ले किया है तो उस हिसाब से भी इनके एक्सप्रेशन मुझे मूवी में काफ़ी हद तक अच्छे लगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बात करें कि जेपी नाम का एक किरदार होता है मूवी में, जो फ्रेंड का रोल प्ले करता है, जिसका ये सपना होता है कि वो मूवी बनाए, मूवी का डायरेक्शन करे, तो उस कैरेक्टर को भी ये दिखाएगी कि जिंदगी में ना एक अच्छा दोस्त, एक सच्चा दोस्त होना चाहिए ही चाहिए आपके जिंदगी में, किसी की भी जिंदगी में, एक ये चीज़ इस मूवी में काफ़ी अच्छे से दिखाई है। दूसरी चीज़ अगर मैं ये बात कहूँ कि इमोशन से रिलेटेड आखिर ये इतनी क्यों है, तो मूवी में एक आखिरी ख्वाहिश होती है एक लड़की की जो फीमेल लीडिंग रोल है, कि उसे पेरिस में जाके जो म्यूजिशियन उसे पसंद है तो उसको जाके मिलना होता है उससे, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के साथ सुशांत सिंह राजपूत जो फीमेल लीडिंग रोल में जो लड़की है, उनकी माँ और वो खुद तीनों जाके वहाँ पे मिलते हैं, उसमें कई हद तक इमोशंस दिखाए गए हैं, शायद आपको रोना आ जाए लेकिन तब भी आपको मूवी कहीं ना कहीं अच्छी लगेगी। अगर मैं बात करूँ कि ये म्यूजिशियन का रोल इसमें किसने प्ले किया है, तो वो सैफ अली खान ने किया, कैमियो रोल है, कोई खास नहीं है, बट जितना भी है वो एक सच्चाई दिखा के गए हैं इस मूवी में। ओवरऑल मूवी अच्छी है, कोई इतनी बुरी नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हो उस मूवी को, उस मूवी को समझ सकते हो। बाकी एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी शायद वो ये थी, क्या अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो शायद उन्हें कहीं ज़्यादा ये बात अच्छी लगती कि उनकी मूवी 24 घंटे के अंदर, रिलीज होने के 24 घंटे के अंदर 75 मिलियन व्यूज़ कमा चुकी है OTT प्लेटफॉर्म पर। इस मूवी के अगर मैं बजट की बात करूँ तो बजट टोटल 38 करोड़ का है और OTT प्लेटफॉर्म पर 50 करोड़ की बिकी गई है। अगर मैं आपको बात करूं कि ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये मूवी प्रॉफिटेबल है, 12 करोड़ का प्रॉफिट
वो प्रोड्यूसर्स को हुआ है जो इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी डायरेक्टर का काम भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं लैग किया। मूवी 1 घंटा 41 मिनट की है। जब जब सुशांत सिंह राजपूत आए हैं स्क्रीन पे दिखाए हैं छाए हैं, तब तक मैंने देखा फिल्म की जो स्क्रिप्ट है काफ़ी तेज हो जाती है। उनके बोलने का जो ढंग इतना उन्होंने अच्छा किया था इस मूवी के लिए, जो शायद मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप मुझे पक्का बताइएगा ये मूवी आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि एक अच्छे कलाकार की है ये मूवी। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये मूवी अडेप्ट कहाँ से की गई है। मूवी एक इंग्लिश बुक के से ली गई है। बुक का नाम है द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। मूवी को टोटली वहाँ से अडेप्ट नहीं किया गया है, बट तब भी मूवी जिस हिसाब से बुक में नरेट किया गया है शायद उससे थोड़ा डिफरेंट, बट उसी स्टाइल में नरेट भी इस मूवी में किया गया है। मूवी के गानों की बात करूँ तो मैंने जब देखा था कि इस मूवी के जो गाने हैं वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहे हैं। एक दो गाने इसके जब स्टार्टिंग में क्लिप्स रिलीज हुई थी तो पहली क्लिप तो पहली ट्रेंडिंग पे रही थी, दूसरा सेकंड ट्रेंडिंग पे रही थी, तो गाने मुझे बहुत मोस्ट सेटिस्फाइड लगे। म्यूजिक डायरेक्शन जिनने किया है वो AR रहमान ने, उन्होंने मतलब नेल्ड इट। उन्होंने तो अपना काम इतनी बखूबी से निभाया मूवी के गानों में। एक सुशांत सिंह राजपूत या जितने भी कैरेक्टर्स इस चीज में दिखाए गए हैं, रोल उन्होंने काफी अच्छा प्ले किया, पर गानों की एक अलग ही खूबसूरती है। गाने मुझे काफी हद तक ठीक लगे, काफी अच्छे हैं, आप इंजॉय करेंगे। आपको मस्ट वॉच मूवी, आपको ये मूवी देखनी तो चाहिए ही चाहिए।